सोलन में भाजयुमो के उपाध्यक्ष बिंद्रू ठाकुर को भाजपा मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर द्वारा निष्कासित कर दिया गया था और उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने पार्टी की और सरकार छवि को खराब किया है। इस निष्कासन को लेकर सोलन भाजपा पदाधिकारियों के बीच विस्फोट की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाजपा प्रत्याशी रहे राजेश कश्यप के साथ साथ कई पदाधिकारी अब बिंद्रू ठाकुर के पक्ष में उतर आए हैं और उन्होंने निष्कासन को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं भाजयुमो के पदाधिकारियों ने भी बिंद्रू के पक्ष में ये ऐलान कर दिया है कि अगर निष्कासन को रद्द नहीं किया गया तो वे सभी इस्तीफा देंगे। बिंद्रू के समर्थन में भाजयुमो पदाधिकारियों ने भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि भाजपा मंडल दबाव में आकर ये सब कार्य कर रहे हैं। बिंद्रू ठाकुर ने निष्कासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें मंडल अध्यक्ष द्वारा निष्कासन करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही उन्हें ये सूचित किया कि किस वजह से उन्हें निष्कासित किया गया है। इसलिए आज उनके समर्थन में भारी संख्या में भाजयुमो के सदस्यों ने उनका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि उन पर आरोप लगाए गए हैं कि भाजपा की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है, जो बिल्कुल निराधार है। चुनावों में उन्होंने सिरमौर में एकमात्र कार्य किया जिसमें उन्होंने तन मन धन से पार्टी के लिए सेवा की, लेकिन आज उन्हें उसका ये सिला मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज युवा मोर्चा के सदस्य सामूहिक इस्तीफे के लिए यहाँ एकत्र हुए थे, लेकिन उन्हें समझाया गया कि अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है। मैं बिंदु ठाकुर, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। मुझे जो 3 दिन पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था, मुझे ये नहीं पता मुझे किस बात से निष्कासित किया गया है। ना मुझे पार्टी से कोई लेटर दिया, कारण बताओ लेटर दिया गया। मैं मंडल अध्यक्ष मदन ठाकुर से पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों निष्कासित किया गया है। मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि शांत बैठे रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पार्टी से 2007 से जुड़े हैं, हमने हर 1 वोट 10 युद्ध किया है, हर वोट 20 युद्ध किया है, गांव गांव जाके काम किया है। मुझे बताओ ना कि हमने क्या किया है। अभी पछात में चुनाव हुए, हमने 1 महीना हमने वहाँ पे लगाया है। आज जो यहाँ पे युवा आया था, इनमें बड़ा जोश था, ये भी मतलब पार्टी का इस्तीफा देने आए थे कि हमें भी इस्तीफा देना है आपके साथ। पर मैंने इनको समझा दिया ऐसा कुछ नहीं है, युवा मतलब पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। हम सब ने पार्टी के साथ काम किया है, हमेशा काम करते रहेंगे, पार्टी के बाहर हम कोई काम नहीं करेंगे। वही भाजपा के प्रत्याशी रहे राजेश कश्यप ने कहा कि उन्हें बिंद्रू ठाकुर द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें ये बताया गया कि उन्हें बिना किसी नोटिस के जल्दबाजी में निष्कासित किया गया है, जो बेहद गलत है। उन्होंने कहा कि वे इस बात को संगठन तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि आज युवा अपने इस्तीफे की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें समझाया बुझाया गया है। उन्होंने कहा कि वे मंडल अध्यक्ष से भी इसको लेकर बात करेंगे। उन्होंने बगैर किसी नोटिस के किसको निकालना ठीक नहीं है, ये पार्टी हित में नहीं है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कुछ सोलन के काफ़ी सारे युवा बड़े जोशों के साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वो बिंद्रू ठाकुर जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, उनका निष्कासन हुआ है। उनके समर्थन में आज उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है और मैं इस ज्ञापन को आगे संगठन तक पहुँचाऊँगा। देखते हैं अभी संगठन इस पर क्या निर्णय लेता है। जिसे आज की युवा इकट्ठे हुए थे, उन्होंने कहा कि भी वो भी बिंदु ठाकुर के समर्थन में इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनको क्या मतलब कि समझाया गया कैसे? नहीं, इन्हें समझाया जाएगा। युवाओं में काफ़ी जोश है और जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम संगठन में हाई लेवल तक जो है ये बात करेंगे। और ये जो मंडल अध्यक्ष ने उनको सस्पेंड किया है, इसके बारे में चर्चा करेंगे संगठन के हायर लेवल तक। देखिए, जिस तरीके से सरकार आपकी है तो उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? पार्टी से निष्कासित किया जाना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पार्टी से निष्कासित किया है, लेकिन अभी ये कोई एक्सेप्ट नहीं हुआ है रेजिग्नेशन। तो अभी ये मंडल अध्यक्ष जिसे मैं बात करूंगा कि उन्होंने क्यों इस तरह का स्टेप लिया है, क्योंकि शो कॉज नोटिस एक होना चाहिए, जो मैं भी समझता हूँ होना चाहिए था। और विदाउट शो कॉज जो है ऐसा स्टेप जो है वो मुझे लगता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है।